मैं अगस्त मुनि नागौर तला बगर पुराण दूल का निवासी हूँ। मेरा नाम कुंदीलाल, बाप का नाम रतिलाल, और उसके बाद जो कुंदीलाल का लड़का हरीश राजेश। 7 बजे से शुरू हुआ बगना। सबसे पहले मंदिर और पीपल का दरखत गया, उसके बाद धर्मशाला टूटा, उसके बाद में हरीश की दुकान ये मकान चलेगी, तब ये राजेश की दुकान चलेगी, तब उसके बाद में बचन लाल की दुकान चलेगी, तब उसके बाद अमित की दुकान चलेगी, अमित के बाद में गोदाम चले गया जहाँ पे गाय गुई उनकी व्यवस्था थी, वो चले गया, तब भट्ट पटवारी की मकान चलेगी। उसके बाद में रात 11 बजे के बाद सारा ये अदब पूरा चले गया। पाली नदी वहाँ थी जहाँ सामने दिखाई दे रहा है, जहाँ वो पत्थर हैं, पाली नदी वहाँ थी जहाँ ये बड़ा पत्थर है, पाली नदी उसके किनारे से चलती थी, जहाँ ये बजरी है वहाँ मकानी थी। उसके बाद में एक छोड़ी ये बीड़बगढ़ वहाँ चले गया। हाँ, तो वो है 16 तारीख की बात, 16 तारीख 7 बजे से और ये 11-12 बजे के बाद 1 बजे ये चले गया सारा। बिजली के खम थे हमारा, यहाँ से जो लाइट चलती थी वो 1 महीना से बंद पड़ी है, वो भी वहाँ से टूट गया। कभी अगस्त ऋषि का बितरा था ना, बितरा जहाँ उनकी पूजा वगैरह होती थी, वो भी भग के चले गया। और जो शिशु मंदिर था यहाँ पे पढ़ने के लिए, गलत हो गया, कभी सपने में भी नहीं बनेगा वो शिशु मंदिर। 2 मंजिल बिल्डिंग थी जिसमें 1000 लड़के आते थे, उसमें वो भी भग के चले गए। हमने देखा सामने, यूं करके देखा हमने, सारा भग के चले गया उसी दिन। जान मान लोग तो 7 बजे की बात ही भग गए लोग, 7 बजे में तो कई काम हो सकते हैं, आजकल तो 8 बजे पड़ती है रात, पर 7 बजे से कपड़े कुपड़े तो लोगों के वहीं रहे और वो निकल के भग पड़े। हम ये गर्ल्स कॉलेज में रहते हैं, हमारी ऐसी स्थिति है, ये पता नहीं कब ये खट आता है, कब हम लोग चले जाते हैं, जो भी आते हैं वहीं से देखते हैं, यहाँ कोई देखता नहीं है, वहाँ से देखते हैं उस मकान से, उसके बाद कोई नहीं देखता है। जो हमारे एक गदरे में ऊपर है वो भी वहाँ झील, कैसे कीड़ का पेड़ टूट गया, पूरा चट्टान घस गई, यहाँ पे 2 मिनट के लिए भी रहने को नहीं है। आप देखें हमारे कमरों में, वहाँ भी इसके वजह से हमारे कमरों में सीख दी के आप, सब जगहों में दराज पड़े हैं उसमें। हम सवेरे 8-9 बजे यहाँ आते हैं, 5 बजे उधर चले जाते हैं अगस्त मुनि, और गाय बचिया ले जाने के लिए रास्ता नहीं है, एक मेरी गाय भी बग गई है, और खच्चर बगे यहीं पे से, इस जगह से बगा खच्चर, गाय भी उसी जगह में भेज रखी थी ना, वहीं पे से गाय भी बग गई, परवल के खच्चर बग गए, बैल बग गए, अब मेरी सिर्फ एक गाय बगी। अब सुनो, यहाँ कोई नहीं देखता है, जब भी आते हैं ये दियोलगढ़ तला बगर कोई नहीं जानते हैं, सिर्फ विजयनगर का नाम जानते हैं, अगस्त मुनि का नाम जानते हैं, यहाँ पे दियोलगढ़ तो तला बगर कोई नहीं जानते हैं, हम ही जानते हैं जो हम यहाँ रहते हैं, तला बगर दियोलगढ़ तोक और पुराण दूल के मानने से मानते हैं। पहले अगस्त मुनि महाराज यहाँ थे, उसके बाद भगवती का मंदिर बना गया, धर्मशाले थे यहाँ पे, वो भी सब चले गए। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मंदिरों में अत्याचार हो रहा है और 1 के 50 रुपये लिए जा रहे हैं। जब मैं एक जगह पे चाय पी गुप्त काशी के अंदर में, उसने 15 रुपये कप चाय लगाई मेरे को, और जगह जगह में जब हम ऊपर नीचे आए उसने कहा 50 रुपये कुंड से अगस्त मुनि के, जब इतने अत्याचार हो रहा तभी जाके ये काम हो रहे हैं। धर्म सिंह चले गया, यमान सिंह चले गया, जुमान सिंह चले गया, अब सिर्फ है मतबल सिंह। मतबल सिंह ऐसा है तो
तुमसे मेरा काम पड़ेगा तभी मतलब रखूँगा। आज यदि हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं, हमारा कोई अन्य काम नहीं होगा। जो रात चल रही है, रात में भी एक जगह में मेरा नाम था, जो मेरे को 5 किलो चावल 5 किलो आटा मिला, अभी तक वो पर्ची भी पटवारी ने नहीं, वो डायरे में नहीं की। गया उसके पास पर्ची बनाने के लिए, उसने पर्ची नहीं बनाई मेरी। मैं अगस्त मुनि का ये बगर का निवासी हूँ, बगर का निवासी हूँ, अपूर्ण दूल आइए तला बगर का निवासी हूँ। जो भी वहाँ आते हैं सिर्फ वहीं से दे के चले जाते हैं, हमारे पास कोई नहीं आया अभी तक, ना कोई प्रधान आया ना कोई आया। और इनकी व्यवस्था कैसी है, न इनको बोले गए भाई तुम चलो यहाँ से, यहाँ रहना ही नहीं है, किसी ने हमारे पास ऐसी भी बात ही नहीं की उन्होंने। चलो भाई तुम्हारे लिए खतरा है, चलो अगस्त मुनि में। हम अपने आप गए अगस्त मुनि में, यहाँ पे बग गया कम से कम 100 मकानी, 1, 2, 3 मकानी इस धार से चले गए, अब 4 होने वाली है, वो भी टूटने वाली है। हाँ 5-6 मकानी ये टूट गए, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मकान भी जाने वाले, कल जाएगी या परसों जाएगी, ये भी सारा जाने वाला है यहाँ पर। पहले हमने अब सोच भी नहीं सकते थे ऐसे काम हुआ। अभी तक 61 साल की उम्र मेरी है, अभी तक मैंने ये नहीं सोचा ये कभी बगेगा। ये कुदरत ने गलती कोई कर देता है, अब भुगतना हम गरीब आदमी को पड़ रहा है, और गरीबी होती सबसे मजबूरी। हम हैं बेरोजगार वाले, हमारे पास रोजगार नहीं है। जब हम दिहाड़ी करेंगे तब जाके शाम के लिए एक वक्त की रोटी तब कमा सकते हैं, नहीं तो हर चारा कुछ नहीं है। जब सरकार को ये पता होना चाहिए था, जब इनके पास न दिहाड़ी है न मजूरी है, बेरोजगार हैं ये, न सरकारी कर्मचारी हैं, हमको राहत मिलनी चाहिए थी। अब मेरे सरकार से यही निवेदन है, हम लोगों को जितने भी यहाँ पर 31-32 परिवार रहते हैं, दूसरी जगह पे हमको शिफ्ट किया जाए। आज सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, आज भी बगना है तो बगना ही है, कल भी बगना है, अभी बचे हैं। आज सरकार से मेरी वही निवेदन है, हमको दूसरी जगह में होते भी बचे हुए आज सरकार हमको मारनी चाहती है, रो वहीं। तो मैं सरकार से ही वही रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे को सभी 31-32 परिवार को आज दूसरी जगह बसा दें। सरकार से मेरी वही रिक्वेस्ट है, आज सब भाइयों के लिए, जिसने किया भी होगा उसका भी भलाई होना चाहिए, जिसने बुराई भी की उसका भी भलाई होना चाहिए। सरकार से मेरी वही निवेदन है, हमको यहाँ के बजाय में दूसरी जगह शिफ्ट कर दें।